लेकिन इनका भी जो डेट है रिस्ट्रक्चर कर दिया है। ये हम लोगों ने 8 केस स्टडीज दिए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि कितना रेकलेसली या कितना बेईमानी से उन कंपनियों को जो डिफॉल्ट कर चुके हैं, जिनके बारे में एविडेंस है कि ये लोग विलफुल डिफॉल्टर हैं, बेईमान हैं, घूस देकर पैसा लिया, पैसा साइफन आउट कर लिया वगैरह वगैरह, उन सब का भी डेट को रिस्ट्रक्चर करा जा रहा है अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट छुपाने के लिए या फिर बिल्कुल घूस लेकर देने के लिए। आज जो लोग ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि भाई हम तो ब्लैक मनी सब खत्म कर देंगे, हम ब्लैक मनी को ले आएंगे वगैरह वगैरह, वो इस तरह की लूट चलने दे रहे हैं, कोई इस पर रोक लगाने की ठोस कोशिश नहीं हो रही। इसीलिए अब हम लोगों ने 7 डिमांड करी हैं जो कि बिल्कुल लाजमी है, जरूरी है, अगर इसको रोकना है। इस तरह का स्कैम जो चल रहा है, जनता का पैसा है और जनता को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं लगता। देखिए, इसमें अफसोस की बात यह है कि जनता का पैसा है, लाखों करोड़ पैसा है। जैसे मैंने बोला कि 11% तो टोटल डिपॉजिट्स का ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एसेट्स है, लेकिन जनता को कुछ पता भी नहीं लगता कि भाई ये पैसा कहां चला गया, किसको दे दिया गया, क्या हुआ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अभी मैंने एक आरटीआई का केस सुप्रीम कोर्ट में बहस किया, अभी 10 दिन पहले की बात बता रहा हूं, जिसमें रिजर्व बैंक से ये इंफॉर्मेशन मांगी गई कि भाई जो बैंक्स के जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बैंक्स के जो सबसे बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, 100 बिगेस्ट डिफॉल्टर्स, बैंक्स को जो रिजर्व बैंक ने पेनल्टी लगाई उसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, बैंक्स के खिलाफ जो कंप्लेंट आई उसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। रिजर्व बैंक ने सब मना कर दिया। सारे केसेस में इंफॉर्मेशन कमीशन ने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि तुमको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरटीआई के अंदर। सब ने रिट पिटिशंस रिजर्व बैंक ने या बैंकों ने, इंडिविजुअल बैंक्स ने फाइल करी और वो सारी रिट पिटिशंस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गई। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग होके कंक्लूड हुई है, जजमेंट रिजर्व हो गया। मैं ये बता रहा हूं कि आज ये हालत है कि विलफुल डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट, पेनल्टीज, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन भी रिजर्व बैंक नहीं देना चाहता। भाई पब्लिक का पैसा है, आरटीआई एक्ट इसीलिए लाया गया कि भाई जनता मालिक है इस देश की, उसको सब कम से कम पता होना चाहिए कि भाई उसके पैसे से क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक नहीं देना चाहता और ये सरकार सपोर्ट कर रही है इस तरह के नॉन ट्रांसपेरेंसी को। इसलिए हम लोगों ने देखिए कई 7 मांग करी है। पहली मांग ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी मांग। पहले तो सबसे पहले एक व्हाइट पेपर पब्लिश होना चाहिए जिसमें कि सारा डिटेल स्ट्रेस्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स अकाउंट्स ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जितने रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं, जितने स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, सबके ऊपर एक व्हाइट पेपर सरकार को निकालना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम काला धन ले आएंगे, वो ले आएंगे, इतना बड़ा स्कैम घर के अंदर चल रहा है जनता के पैसे का, उसको उसका तो इंफॉर्मेशन दीजिए लोगों को जो आपके पास है। दूसरा, सेटअप एन एसआईटी टू इन्वेस्टिगेट ऑल केसेस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, मेक पब्लिक द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन टू रिट्रीव द मनी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। एक एसआईटी का गठन करिए, जैसे आपने ब्लैक मनी पर, आप वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपको एसआईटी करनी पड़ी, लेकिन सरकार खुद इस पर एक एसआईटी का गठन करे, क्रेडिबल एसआईटी का, जो कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करे कि अगर बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर्स को पैसा दे दिया तो उसकी किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। घूस लेकर पैसा दे दिया
ऐसी कंपनी को पैसा दे दिया जिसका इंटरनल ऑडिटर ये कह रहा है कि भाई ये तो कभी पैसा आपको वापस मिल ही नहीं सकता, उसको भी पैसा आपने दे दिया हजारों करोड़ या सैकड़ों करोड़, उसकी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये तो हमने 8 केस बताए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तीसरा, पास अ लॉ इमीडिएटली इफ नेसेसरी थ्रू एन ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग टू बुक ऑल विलफुल डिफॉल्टर्स विच शुड इंक्लूड अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज टू PSBs, lending institutions from the personal assets of the promoters, preventing them from taking undue advantage of the loopholes in the existing laws to serve selfish ends at the cost of the public interest. जो willful defaulters हैं, जिन्होंने पैसा siphon out कर लिया, मलिया जैसे लोग, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जिनके personal assets तो मोटे होते गए, जिन्होंने पिकासो वगैरह की पेंटिंग्स वगैरह खरीद ली, यॉट खरीद ली, हवाई जहाज खरीद लिए और उनकी कंपनी का पैसा सारा डुबा दिया जो कि बैंक से लोन लिया था, उनके पर्सनल एसेट से सीज करने का आप कानून बनाइए कि चाहे उन्होंने मॉर्गेज ना किए हो लेकिन उनके पर्सनल एसेट से लिया जाएगा अगर ये फाइंडिंग आती है कि वो कंपनी विलफुल डिफॉल्ट में थी और इन लोगों ने पैसा साइफन आउट किया है। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Techno commercial evaluation should be made mandatory for all proposals exceeding 100 crores to be done by an independent body to be set up by the government of India. This will also help to avoid bank shopping by borrowers who approach other banks even after their proposals are found unviable and rejected by some public sector banks approached earlier. ये लोग क्या कहते हैं, जैसे फोरम शॉपिंग होती है ना, बैंक शॉपिंग, एक बैंक से गए, उसने बोला फट तुम्हारा तो कंपनी बिल्कुल बोगस है, इसमें तो कोई पैसा वापस आएगा ही नहीं, तो दूसरे बैंक के पास चले गए। जब उसको ऐसा बैंक मिल जाता है जो घूस देकर लोन दे दे तो उस बैंक से ले लेते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप होनी चाहिए, इस तरह के 100 करोड़ से ज्यादा के लोन अगर कोई मांग रहा है तो उस प्रपोजल को इंडिपेंडेंटली जो इवेल्युएट कर सके क्रेडिबली, और उसके फाइंडिंग्स जो हैं एक पब्लिक वेबसाइट पर होनी चाहिए जिससे कि जनता को भी पता लगे कि क्या प्रपोजल था, कैसे इवेल्युएट किया गया, और उसके बाद उसके बगैर कोई बैंक पैसा नहीं दे सकता। ये नहीं कर सकते कि भाई एक बैंक फेल हो गया तो दूसरे के पास, एक ने नहीं दिया तो दूसरे के पास चले जाएगी, दूसरे ने नहीं दिया तो तीसरे के पास चले जाएगी। एक ही बॉडी ये करेगी, अगर वो कह देती है कि भाई इसको पैसा नहीं मिल सकता तो कोई बैंक नहीं दे सकता। और इसमें हम लोगों ने ये लिखा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। फिर द लेंडिंग बैंक शुड पब्लिश ऑन देयर वेबसाइट एवरी क्वार्टर द नेम्स ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनीज एंड देयर डायरेक्टर्स अलोंग विद आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल लोन एंड द इंटरेस्ट अनपेड। Additionally, it should also be mandatory for the borrower companies to publish on their website every quarter details of all loans utilized and restructured, defaults in payment and principal and interest to banks, defaults in payments of income tax, service tax and other government dues. यानी कि सारा डिटेल जो बैंक लोन लेता है अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसका सारा डिटेल फिर जनता को पता होना चाहिए। बैंक भी पब्लिश करे, कंपनी भी पब्लिश करे कि भाई क्या बैंक किया, क्या डिफॉल्ट किया। फिर ऑल रिक्वेस्ट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन शैल इनवाइट रीअप्रेजल ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंसर्न्ड बाय द अफोर्डेड इंडिपेंडेंट बॉडी। इफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन इज रिकमेंडेड सच अप्रेजल रिपोर्ट शुड बी ऑन द वेबसाइट ऑफ दैट इंडिपेंडेंट बॉडी एंड द बैंक्स एंड द कंपनी कंसर्न्ड अलोंग विद द अप्रेजल रिपोर्ट फॉर द initial sanction of the loan with detailed justification for restructuring, the loss of public money taken by the banks, the amount of additional equity that promoters will infuse and the time plan for turnaround. हम ये नहीं कह रहे कि loan कभी restructure ना हो, restructure हो सकता है लेकिन उसमें safeguard होने चाहिए, और safeguard ये है कि एक independent body, credible body setup हो, वो evaluate करे और वो इवैल्यूएशन की रिपोर्ट जो है अप्रेजल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर डाले जिससे जनता को पता लगे। उसके बगैर वो बहुत रिस्की है इस तरह से अलाउ करना सीक्रेसी में और विदाउट एनी क्रेडिबल ऑडिटिंग बॉडी टू एग्जामिन द प्रपोजल एटसेट्रा। एंड लास्टली हम लोग ये कह रहे हैं कि पुट इन प्लेस प्रोहिबिटिव मेजर्स इंश्योरिंग
that promoters, directors of a company do not acquire discounted assets of a company from the asset reconstruction company indirectly. आजकल ये हो रहा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भेज दिया जाता है और वो प्रमोटर फिर से वही एसेट्स 20% 25% ऑफ देयर ओरिजिनल लोन उस पर वो वापस खरीद लेते हैं. तो यानी कि कंपनी भी उनके पास रही, एसेट्स भी उनके पास रहे और लोन का चौथाई अमाउंट या वन फिफ्थ अमाउंट देकर उनकी छुट्टी हो जाती है.